हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिनोवा किचन इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपका खाने से रिलेटेड कोई बिजनेस है, जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट, केटरिंग सर्विसेज वगैरह, और आप चाहते हैं कि वो और भी आगे बढ़े, ग्रो हो, या फिर आपको अपना खुद का कोई अलग बिजनेस करना है जो आपको प्रॉफिट दे, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी सक्सेसफुल होटल्स, रेस्टोरेंट्स और केटरिंग सर्विसेज वगैरह में खाना बनाने की प्रोसेस में क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका उत्तर यह है कि बड़ी बड़ी होटल्स और रेस्टोरेंट्स में खाना बनाने की प्रोसेस में ज़्यादातर मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, और जो स्टाफ होता है वो ज़्यादातर उन मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए रखा जाता है। और सभी रेस्टोरेंट्स में एक फूड आइटम तो कॉमन ही होती है, रोटी या चपाती। कई रेस्टोरेंट्स में रोटियाँ हाथों से बनाई जाती है, लेकिन जो बड़ी बड़ी होटल्स और रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पर रोटी बनाने के लिए मशीन्स का यूज़ किया जाता है। और इन मशीन्स के यूज़ के 3 फायदे होते हैं, और वो फायदे मैं भी आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस रोटी मेकिंग मशीन को ऑपरेट कैसे करते हैं, यानी इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक रोटी मशीन है, और पहले आपको इसे यहाँ साइड में से स्टार्ट करना होगा। और आप जब इसको स्टार्ट करेंगे तो एक कन्वेयर बेल्ट है वो घूमने लगेगा, और ये मशीन के अंदर का पार्ट है जो आपको दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये कन्वेयर बेल्ट घूम रहा है। और फिर मशीन के ऑन होने के बाद आपको इस मशीन के अंदर जो बर्नर है उसे ऑन करना होगा, यानी एक एक करके आप इसके बर्नर को ऑन करेंगे, इसके बर्नर को जलाएंगे एक लाइटर की मदद से। ये बहुत सिंपल है, आसान है। और इसके बाद जब एक एक करके आपने सारे बर्नर्स ऑन कर दिए होंगे, फिर आपको ऊपर से 2 बॉल्स मशीन्स में डालने हैं, और जब ये आटे के बॉल्स बनाकर आप मशीन में डालेंगे तो एक एक करके रोटियां अपने आप बाहर आएगी कन्वेयर बेल्ट पे। ये देखिए, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, ऊपर से वो बॉल्स डाल रहे हैं और यहाँ से कन्वेयर बेल्ट पे रोटियां आ रही है, और धीरे धीरे ये कन्वेयर बेल्ट उन रोटियों को मशीन के अंदर डालेगा। और ये आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं, ये रोटियां अंदर प्रेस हो रही है, और फिर नीचे जाकर जो हमने बर्नर ऑन किया है उस बर्नर की हीट की वजह से ये रोटियां एकदम फूल जाएंगी, और इस बर्नर जो हीट दे रहा है उसकी वजह से रोटियां एकदम फूल कर बाहर जा रही है। और यही इसके पीछे की पूरी प्रोसेस है। ये जब आप बाहर देख रहे हैं, यहाँ रोटियां कलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर रोटियाँ कलेक्ट हो जाएगी, मशीन अपने आप रोटियाँ बाहर डाल देगा, और यहाँ रोटियाँ फूल कर एकदम बाहर आ रही है एकदम परफेक्शन के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे, इस रोटी मेकिंग मशीन के 3 फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि इस रोटी मेकिंग मशीन से साफ सफाई और स्वच्छता बरकरार रहेगी। दूसरा फायदा यह है कि अपने किचन में मशीन रखने से या फिर अपने बिजनेस में मशीन का उपयोग करने से रोटी बनाने के लिए आपके ओवरऑल प्रोफाइल को भी अपग्रेड होता है, आपका ओवरऑल प्रोफाइल भी अच्छा लगता है। और इस मशीन का तीसरा और सबसे बढ़िया फायदा यह है कि ये मशीन 1 घंटे में 1000 रोटियां तक बना सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और भी बेहतरीन वीडियोज पाने के लिए सबसे पहले इस हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। इस मशीन के बारे में और जानकारी पाने के लिए या ऑर्डर देने के लिए डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है।